वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ओके। अक्सर हम जब मैसेज पढ़ते हैं या फिर हम किसी को मैसेज देते हैं और उसका रिप्लाई होता है ओके, तो यहाँ पर ओके का मतलब क्या होता है? अक्सर हम भी किसी को बोल देते हैं ओके, लेकिन इसका हिंदी और इसका रिप्लाई हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी ने कहा ओके तो इसका रिप्लाई क्या करें, और इसका हिंदी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओके स्टैंड फॉर ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट यहां पर आप देख रहे होंगे कि स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, लेकिन स्पेलिंग इसकी सही है, क्योंकि ये अलग लिपि में बोला जाता है। ऑल करेक्ट ये अलग लिपि है, जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं जान रहे हैं उसमें नहीं है। यदि उसमें होता तो यहां पर सी होता। ऑल करेक्ट मीन्स होता है ठीक है। आज के समय में तो सब कुछ शॉर्ट चल रहा है, तो अब ओके की जगह पर कुछ लोग के बोलते हैं। के का मतलब भी ओके ही होता है। यदि आपके मैसेज में के शब्द किसी ने लिख दिया तो के का मतलब कुछ और नहीं, के ही होता है, यानी कि ओके। अब ओके का रिप्लाई कैसे करें? ओके का पहली बात तो ये है कि यदि किसी ने कह दिया ओके, तब इसका मतलब आप ये समझे कि अब बात खत्म कर दो। बस इसी में ही फायदा है, क्योंकि सामने वाले ने कह दिया ओके, यानी कि सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता है। ओके का मतलब बात खत्म। तब हम ओके का रिप्लाई इससे देते हैं और बोल देते हैं या फिर बात करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओके का मतलब बात खत्म। ठीक है, ओके, और कुछ? सामने वाले से पूछते हैं कि ठीक है, सही है, एक चीज सही है, या फिर हम किसी से पूछते हैं आप सही हो, ओके, आर यू ओके, आप ठीक हो, मैंने जो किया वो ठीक है, ओके। जब हमें किसी से ये रिप्लाई चाहिए कि हाँ आपने जो किया वो सही है, या फिर मैं सही हूं, तब भी हम ओके का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरों में भी शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।